इस संस्कार में पला हूं, बढ़ा हूं। मैंने गोबर देखा, मैंने बकरी की गिनती की, मैंने भैंस की गिनती की। अब संजोग से लोकसभा में आया हूं तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनू कि भैंस गिनू कि डिफिसिट गिनू। यहाँ आके डेफिसिट गिनो, वहां बाद में गिनो। और हम तो केवल वही खोजते हैं। मैं 1977 में एमएलए बन के आया, इंडिया गेट के किनारे पैदल टहल रहा था। एक बड़ी गाड़ी में एक बड़ा कुत्ता जा रहा था, वो अपने मुंह को निकाल के जी लप लपाते जा रहा था। मैं गांव का आदमी खड़ा होकर सोचने लगा, एक कुत्ता जरूर कुछ कह रहा है। मैं एमपी था, कभी दिल्ली देखा नहीं था। मेरे अंदर से आवाज आई कि कुत्ता कह रहा है क्या, तू गांव का किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित, तू क्या जन्म लेके करने आया है? तुझसे मैं सौभाग्यशाली हूं। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, बरसों तक समाजवादी आंदोलन में न रहे कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी अवैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो?